हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लास्ट मोमेंट टिप्स के बारे में। बेटा देखो, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है ना, हमेशा से बेटा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। मतलब यहाँ पर बच्चा क्या करता है, अच्छा अगर आप लिख कर आओगे तो आप बी प्लस ए तक ला सकते हो। मतलब इस वाले सब्जेक्ट से आप अपने परसेंटेज को, अपने सीजीपीए को इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो चलिए, बीएमई में हमें क्या करना उसके बारे में बात करेंगे, एंड वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स 2 के बारे में बात करूंगा बेटा। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। देखिए, जैसा आपको पता है कि मैंने यूट्यूब पे है ना, थोड़ा सा मैं बात करता हूं इस पे। मैंने यूट्यूब पे बीएमई के, ठीक है, बी एम ई के मैंने यूनिट नंबर 1, यूनिट 1, 2 और 3 मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। तो मैं सबसे पहले बच्चों को ये बोलूंगा कि आप एक काम करो, सबसे पहले 1, 2, 3 को आप अच्छे से पढ़ लो, कुछ भी चीजें छोड़ने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है। 1, 2, 3 आप यूट्यूब से पढ़ो, मैंने वहां पे बाकायदा नोट्स बनवा दिया है, ठीक है। ज्यादा हाईफाई नोट्स नहीं है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 3 यूनिट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद बेटा बच रहा है आपका यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। अब देखो, बीएमई के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया था आपके सीनियर्स के लिए, जहां पर मैंने मोस्ट ऑफ द जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको एक जगह किया था। तो आप क्या करो, सबसे पहले 1, 2, 3 अच्छे से पढ़ लो, और 4 और 5 के कम से कम 10 क्वेश्चंस, कम से कम आप 10 क्वेश्चंस क्या करना, या तो शिवानी से या तो सेल्फ प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि मैंने बोला ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप कर लोगे तो एकदम क्लियर हो जाओ बेटा पढ़ना क्या है। 1, 2, 3 आप मेरे यूट्यूब से पढ़ लो, अगर अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे 7-8 बजे तक पढ़ लोगे। उसके बाद बेटा यूनिट नंबर 4 और 5 आप जाओ मेरे इंपॉर्टेंट वाले वीडियो में, वहां पर देखो कि यूनिट नंबर 4 और 5 में क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोनों यूनिट को मिलाकर आप क्या करना, 10 क्वेश्चंस कम से कम तैयार कर लेना, जो क्वेश्चन में फिगर वगैरह होंगे ना उस पर ज्यादा जोर देना, ठीक है। चलिए, तो ये आपको इतना बीएमई में पढ़कर जाना है, अब सवाल ये उठता है सर बीएमई में लिखेंगे कैसे। देखो, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितना भी पढ़कर जाओ अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो बीएमई में आप कोशिश करना कि आप आंसर को पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है। और दूसरा बेटा, जो सबसे प्लस पॉइंट है, वहां पर फिगर मत छोड़ना, क्योंकि देखना बहुत सारे ऐसे आंसर्स हैं जहां पर फिगर आएंगे। तो फिगर को क्या करना, आप नीट एंड क्लीन बनाना, बड़ा बड़ा फिगर बनाना और एकदम नीट एंड क्लीन बनाना, एकदम नीट एंड क्लीन, क्योंकि फिगर जब आप बनाओगे ना तो आपको 7 में 7 नंबर मिलने के चांसेस है। अगर आप ये सोचोगे सिर्फ थ्योरी अपन लिख कर जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको एग्जामिनर 7 में से 7 नंबर देगा, ठीक है। तो आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिए, जो भी फिगर्स हैं उनको आप अच्छे से बनाइए, कम से कम फिगर में 4 से 5 पॉइंट को हाईलाइट कीजिए, है ना, कम से कम 4 से 5 पॉइंट को आप हाईलाइट कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये आपको इतना पढ़कर जाना है और रिलैक्स होकर जाओ, ठीक है। और मानकर चलो आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना, फिगर वगैरह बनाना, ठीक है, आराम से आप पूरा कर लोगे, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीएमई क्या है, आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको बीएमई में इतना करके जाइए बेटा। और देखो, एक बात रहा मैथमेटिक्स 2 को लेकर, है ना, बहुत बच्चों के पेपर खराब गए। एक काम करना, मैं एक वीडियो डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन पे, उसका लिंक है। मैंने जब 3 महीने पहले जब मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया था, मैं इसका लिंक डालूंगा एक बार, ठीक है, मैथमेटिक्स 2 का मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया था, बोलोगे यस सर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूं। अभी मत देखना आप बीएमई का एग्जाम देकर आना, ठीक है। बीएमई का एग्जाम देकर आने के बाद आप क्या करना, उस सिलेबस वाले वीडियो को देखना, वहां पर मैंने साफ साफ कहा था कि आपको पढ़कर जाना है। बच्चों ने क्या करा है, वो सिलेक्टिव पढ़ के गए, मतलब मैंने बोला था यूनिट नंबर 3 पढ़ के जाओ, यूनिट नंबर 3 कोई नहीं पढ़ा है, किसी ने 4 का आधा पार्ट छोड़ दिया है। तो भाई एक बार उस वीडियो को देखना कि जो कंडीशन में आप हो, वो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि भैया रिस्क नहीं लेना है। ये 3 महीने पहले का वीडियो है ना, आप जाके देखना, बीएमई का पेपर देकर जब आओगे आप उस वीडियो को देखना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बीएमई आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर अभी हम लोग मैथमेटिक्स 2 के लिए एक सही स्टेप नहीं लेंगे तो आप सभी लोग मर्सी में पहुंच जाओगे, क्योंकि मैं तो ये मानकर चल रहा हूं कि मान के चलो 90% बच्चे फेल होंगे। तो भैया अभी से अपन को स्टेप लेना, आप बीएमई का एग्जाम देकर आओ, लेकिन मैथमेटिक्स 2 का वो वाला वीडियो सिलेबस का आप जरूर देखना, जहां पर मैंने क्लियर करा था, ठीक है। चलिए, बीएमई के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जितना मैंने बोला उतना पढ़ के जाओ, बस लिख कर आना, छोड़ना मत,
है ना, कम से कम 22 से 23 पेज लिखना। अब ये नहीं गए और छोड़कर आ गए, 22 से 23 पेज आप लिख कर आओ, जो आंसर याद करके गए नहीं हो साला वो भी लिख दो, क्योंकि भाई आरजीपी भी पागल हो गया तो उसको भी पागल बनाने का काम करना है। छोड़कर मत आना बेटा, ठीक है। कहो कोई भी बच्चा 22 से 23 पेज लिख कर ही आना, नहीं पेज पूर रहा है कुछ ऐसे लिख देना जो आप पढ़कर गए हो नहीं आया वो भी लिख देना, लेकिन लिख कर आना, कॉपी ब्लैंक छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।